गेट के पेपर वाकई तगड़े आए थे। सीरीज लिमिट फॉर पाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन ई। मोन एनर्जी बिटवीन नाइट्रोजन एटम इन N2 इज 946 किलो जूल पर मोल। बहुत सारे ऑप्शन गलत थे। सॉलिबिलिटी प्रोटोकॉल बताओ यार, ये रट्टे वाला सवाल एग्जाम में देना, क्या बोलो इन लोगों को भी ना। 8.4 होता है, ठीक है, इंटू 10 के बारे में। फिर एटॉमिक नंबर, अब ये चलो अच्छा लॉजिकल सवाल है। कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 1 है। इलेक्ट्रॉन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने होंगे, कॉपी देना बेटा। 1.6 को जब हम मीथेन का मॉलिकुलर वेट होता है 16 डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 0.1 मोल CH4। अब देखो बात हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात यहाँ पे हो रही है। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। हाइड्रोजन में 1 होते हैं, 4 हैं तो 10, 6 × 4 = 10, तो ये पूरा 1 मोल हो गया। और 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.02 × 10³। एवोगाड्रो नंबर आ जाएगा ना। देखो वैसे तो 0.1 को हमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन देखो ये 6 × 4 = 10। अब 0.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, ये आंसर आ जाएगा। फिर बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंटेन 250 मिलीमीटर लिक्विड इन 0.1 मोलर CO2 बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो आपसे पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेड CO2 एट STP। अब ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, 200 मिलीलीटर का मतलब ऑफ कोर्स 0.2 DM³। तो 1 DM³ होता है 22.4, 2 DM³ होता है 44.8, 0.2 है तो ये और कम हो जाना चाहिए 4.48, लेकिन बात इससे भी कम होगी क्योंकि 0.1 मोलर है। तो 4.48 को दोबारा हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर ये आएगा 0.488 लीटर।